वेलकम इन माई YouTube चैनल। मैं योगेश गुप्ता इस कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज 4 ऑफलाइन क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोगों को मैं YouTube पे आप लोगों को ADCA, DCA, ADFA, DFA और CCC स्पेशल के लिए आपको YouTube पे पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। पूरे YouTube के कंटेंट को कंप्यूटर के पूरे कंटेंट को आपको YouTube पे प्रोवाइड करूँगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये मेरी पहली क्लास है। तो कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले ये हमको जानना है कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर आया कहाँ से है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर पहली बात तो बनता कैसे है। तो बनने के लिए इसको सबसे पहले हम इसके मेन पार्ट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें से हम लोग पहले ये देखेंगे हमारे मेन पार्ट्स में। जैसे हमारे ये पहला पार्ट हो गया हमारा मॉनिटर, ये हमारा पहला पार्ट है मॉनिटर। फिर दूसरा पार्ट हमारा है कीबोर्ड, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये हमारा तीसरा पार्ट है माउस, और ये चौथा पार्ट है हमारा सीपीयू। ये सभी डिवाइसेस आपस में जाके यहाँ कनेक्टेड रहेंगे। और पांचवा पार्ट हमारा जो मेन पार्ट है वो हमारा UPS कीबोर्ड एंड माउस एंड CPU। ये हमारे कंप्यूटर के पांच पार्ट्स हो गए। पहला इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU और पांचवा हमारा UPS। तो बात करते हैं इसके बारे में, जो हमारा मॉनिटर होता क्या है। पहली बार तो कीबोर्ड, आप लोगों ने कंप्यूटर कभी देखा होगा तो कंप्यूटर में किसी एक पार्ट्स को आप लोगों ने देखा होगा तो किसी एक पार्ट को आप लोग कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। आप लोग कंप्यूटर बोलेंगे जब कीबोर्ड को, माउस को, CPU को, मॉनिटर को और UPS को आप लोग एक दूसरे से आपस में जब कनेक्ट कर देंगे तो हमारा एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। तो इसी कंप्यूटर सिस्टम को समझने से पहले हमको एक एक पार्ट्स के बारे में समझना होगा कि इनका काम क्या होता है। तो इनके काम को देखने के लिए सबसे पहले हमको समझना क्या होगा, कीबोर्ड क्या होगा और माउस क्या होगा। उससे पहले समझने के लिए हम लोग आज समझेंगे डेटा क्या होता है। डेटा या डाटा कुछ भी कहिएगा, प्रोनंसिएशन इसका कुछ भी हो सकता है। डाटा कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़े होंगे। अल्फाबेट कहने का मतलब है ए से लेकर के जेड तक। फिर आप लोगों ने नंबर्स को देखा है, नंबर्स में आप लोगों ने बेसिक नंबर 0 से लेकर के 9 तक देखा है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सिंबल को देखा है। सिंबल जैसे आपका हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, या आपके सिंबल्स है, ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो इन्हीं सबको अल्फाबेट हो गया, नंबर हो गया, सिंबल हो गया। और जैसे हम लोग कहें कि आईडियो, आईडियो भी हमारा एक डेटा होता है। वीडियो, वीडियो भी हमारा एक डेटा होगा। कोई सॉन्ग हो गया वो भी हमारा डेटा होगा। तो नंबर, सिंबल, अल्फाबेट, आईडियो, वीडियो, सॉन्ग्स को ही हम लोग डेटा बोलेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे हम लोग कोई भी कंटेंट रहता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, हमारे माइंड में वो चला जाता है। तो उसको कंप्यूटर में अगर कोई भी डेटा इनपुट करेगा तो उसको हम लोग इनपुट करना बताएंगे। इंटर करेगा तो उसको हम लोग इनपुट करना बोलेंगे। तो जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करने का काम करते हैं, माउस से हम लोग क्लिकिंग करने का काम करेंगे। तो ये दोनों से हमारा डाटा इंटर करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों हमारा इनपुट डिवाइसेस होंगे। ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइसेस होंगे क्योंकि कीबोर्ड और माउस की सहायता से डाटा हमारा कंप्यूटर में इनपुट करेगा। फिर जब इनपुट कर लेगा तो उसके बाद हमारा डाटा जाएगा CPU के पास। ये हमारा CPU है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ये डाटा को प्रोसेस करने का काम करेगा, ये डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करेगा। मान लो एक
ह्यूमन रहेगा, ह्यूमन कोई भी ऑपरेशन को देखेगा तो डाटा इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद वो उसके माइंड में जाएगा, माइंड में जाने के बाद डाटा को वो प्रोसेस करने लगेगा, कैलकुलेट करने लगेगा उसके माइंड में, उसी को जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू में जाके ये कैलकुलेट करेगा ऑपरेशन को, तो इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस करना ऑपरेशन को, चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो, इसी को कैलकुलेट करने को हम लोग प्रोसेस करना बोलेंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट को शो कराएगा, और रिजल्ट को शो कराने के लिए हमारा मॉनिटर बैठा है। मॉनिटर में क्या होगा, जितने भी कंटेंट हम लोग इनपुट किए रहेंगे और जितना कंटेंट हमारा जाके प्रोसेस हुआ रहेगा वही जाके हमको आउटपुट देगा, उस वो रिजल्ट को शो कराएगा। हमने चार पार्ट्स को समझ लिया, कीबोर्ड और माउस डाटा को इनपुट करेगा, फिर सीपीयू जो है डाटा को प्रोसेस, सीपीयू में जाके हमारा डाटा प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद हमको रिजल्ट दिखाएगा आउटपुट में। फिर ये चारों पार्ट्स से हमारा कंप्यूटर अभी भी नहीं बना, चार पार्ट्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, कंप्यूटर दिखने लगेगा, लेकिन कंप्यूटर चलेगा कब, जब हमारा यूपीएस इसमें जाके कनेक्टेड हो जाएगा। यूपीएस जो होता है एक हमारी ये बैटरी होती है, यूपीएस हमारा एक बैटरी होगा। बैटरी से क्या होगा कि बैटरी का काम ही होता है जो हमारा सिस्टम रहेगा उसमें पावर की सप्लाई करना, तो बैटरी यूपीएस से इन चारों पार्ट्स को जो हम कनेक्ट किए हैं इसमें पावर की ये सप्लाई करेगा। ठीक, ओके गाइस, ये था मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।